नमस्कार, प्राइम टाइम के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आइए अब करते हैं खबरों की शुरुआत। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को ये कहा कि पिछले एक साल में देश में शासन में आमूलचूल बदलाव देखा गया है। ये बदलाव सिर्फ निर्णायक रूप से ही नहीं बल्कि तेजी, स्पष्टता और पारदर्शिता के संदर्भ में भी है, जिससे वैश्विक स्तर पर देश को सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पूरे होने जा रहे एक वर्ष के मौके पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जेटली ने कहा कि विकास और वृद्धि दर बढ़ाने के लिए लगभग रोजाना और साप्ताहिक आधार पर फैसले किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 26 मई को पदभार संभाला था। दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिका और शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए आज कहा कि यह उनकी सरकार के भ्रष्टाचार रोधी प्रयासों के बारे में भाजपा की घबराहट का घोतक है। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया है कि फिल्म सिटी के पास शूटआउट हुआ है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। अमिताभ ने बताया कि चारों ओर पुलिस है। खबर के मुताबिक तीन हमलावर बाइक पर फिल्म सिटी पहुंचे थे और गेट नंबर 2 के पास फायरिंग की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जनवरी मार्च तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर आए हैं। इस अवधि के दौरान बैंक का मुनाफा 23% बढ़ गया है, जबकि एनपीए घटकर 2.10% पर आ गया है। आईपीएल T20 क्रिकेट मैचों से जुड़े सट्टेबाजी गिरोहों के खिलाफ हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में दिल्ली, मुंबई और जयपुर समेत कई शहरों में शुक्रवार को छापे मारे। सुपरस्टार शाहरुख खान के बाएं पैर के घुटने का सफल ऑपरेशन हुआ है और उन्हें 4 दिन तक पूरी तरह आराम करने की सलाह दी गई है। शाहरुख ऑपरेशन से पहले घुटने के दर्द को नजरअंदाज कर राहुल ढोलकिया की फिल्म रईस की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने मुश्किल समय में साथ देने के लिए अपने प्रशंसकों को धन्यवाद दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि उनका देश इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग नहीं हार रहा है। हालांकि उन्होंने माना कि इराकी सेना को सहायता देने के लिए कुछ क्षेत्रों में आईएस के खिलाफ लड़ने के लिए सुन्नी लड़ाकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। यूपी सरकार के पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में कहा कि कोल ब्लॉक्स का आवंटन उनके ऑफिस से किया गया, लेकिन इसमें अंतिम निर्णय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का होता था। दसारी राव की तरफ से पेश की गई याचिका में कहा गया है कि वह सिर्फ कागजों पर दस्तखत करते थे। कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान राव के वकील ने कहा कोल आवंटन के मामले प्रधानमंत्री खुद भी देखते थे। हर साल 2.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हवा हवाई हो गई। फसल बर्बाद होने से परेशान किसान आत्महत्या करने को विवश हैं। सत्ता संभालने के समय नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा था कि अब दुख भरे दिन बीते रहे भैया, साल बर्बाद। देश के लोग मोदी से कह रहे हैं सजन व बैरी हो गए हमार। ये बात कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज बब्बर ने कही। प्राइम टाइम के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार।